टेक्निकल ड्राइंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ये सम कर रहे हैं कॉपी आईएसओ में। देखो लेंथ विड्थ एंड हाइट, इसका लेंथ 108 है, विड्थ उसका 44 प्लस 20 64 है और हाइट उसका 24 प्लस 32 है। तो उस प्रकार से पहले बॉक्स बनाएंगे। पहले ये वाला शेप, टी वाला शेप देखिए, ये 88 है। पहले 88 मार्क करेंगे। उसके बाद हाइट देखिए, यहां से 12, उसके बाद ये अंडरलाइन जाता है 44, उसके बाद यहां से वर्टिकल लाइन, उसके बाद यहां से 32, यहां से वापस नीचे 32, ये देखो यहां से वापस नीचे 32, उसके बाद यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कितना होगा 12। उसके बाद वापस वर्टिकल लाइन, ये देखो ये पार्ट हो गया। अभी ये वापस एल शेप जितना है, एल शेप जैसा है, तो यहां से डिस्टेंस 20, यहां से लाइन, बाद में यहां से भी लाइन, और यहां से लाइन, तो ऐसे बन गया इतना। अभी देखो ये 12 12 दोनों साइड है, ये देखो 12 12 दोनों साइड है, ये 12 हुआ, यहां पे भी 12 आया, इसका सेंटर लिया, सेंटर पॉइंट लेके लाइन, ये कितना है रेडियस 20 है, मतलब डायमीटर 40, मतलब 40 का बॉक्स बनाएंगे। इसको लॉन्गेस्ट डायगनल देखो, ये भी बना सकते हैं पीछे, इसको पीछे लेंगे, ये कितना है 64, यहां से भी 64, इसको पीछे लेंगे, जहां पे कट करेगा वहां से वर्टिकल, ये देखो ये आ गया 64, इसको यहां से ऊपर लिया, इसको अंदर लेके गए, यहां से नीचे, यहां से भी नीचे जाएंगे, यहां से भी नीचे जाएंगे, ये देखो इस प्रकार से ये पार्ट बन जाएगा। ये 12 mm, अभी कितना अंदर जाता है 20, यहां से भी 20, बाद में यहां से लाइन 6 mm 6 mm, ये देखो दोनों साइड 6 6 mm, ये देखो ये एक्सटेंड किया, ज्वाइन किया,
उसके बाद यहाँ से एक्सटेंड करो, ये देखो ये लाइन बना, यहाँ से इधर ज्वाइन करो, तो यहाँ से यहाँ अभी कितना अंदर 24। को ज्वाइन करो और पीछे वाला पार्ट देखो। तो इस प्रकार से सर्कल छोड़ के बाकी सब हो गया, अभी सर्कल यहाँ बनाएंगे और यहाँ बनाएंगे। तो इसके लिए तो बॉक्स रेडी है, हमें इसमें क्या करना है, फोर सेंटर मेथड से करना है। तो पहले लॉन्गेस्ट डायगोनल बना दिया, एक कॉर्नर पकड़ा जो 90 से ज़्यादा हो, एंगल 90 से ज़्यादा, और ऑपोजिट मिड पॉइंट को ज्वाइन किया। इसको लिखते हैं 1, इसको लिखते हैं 2, इसको 3, इसको 4 mm, बराबर। सो 1 to m लेके आर्क बना सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमें आधा ही बनाना है। तो हम लोग 2 to m लेंगे। देखो 1 to m लेके बना सकते हैं बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो 2 to m लेके आर्क बना देंगे। बाद में 3 to m लेंगे, वापस एक कर्व बना देंगे। जैसे ये ऊपर बना वैसे नीचे भी आएगा। कितना नीचे जाना पड़ेगा आपको, 32। ये देखो, सो ये पॉइंट से 32 नीचे जाइए। ये देखिए, ये आर्क लिया, यहाँ नीचे जाके SR, सो यू गो डाउन बाय 32। उसके बाद ये वाला पार्ट, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से वर्टिकल लाइन और यहाँ से ऐसे लाइन, तो ये देखो ये 44, यहाँ पे 88। सेंटर से ऊपर 44 ऊपर और 44 नीचे। तो देखो हम लोग ने ये 4 सेंटर मेथड से रॉम्बस बना दिया, सब जगह 44 लेके पैरेलल लाइन बना दिया। अब इसमें क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट डायगोनल बनाएंगे जहां से एंगल मोर देन 90 है, वो पॉइंट 1, और ये ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को mm लिखेंगे और ज्वाइन करेंगे। अभी 1 to m लेके कर्व बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये सम हो जाएगा। देखिए 1 to m लिया और आर्क बनाया, हो गया। इसके बाद जहाँ जहाँ सेंटर है वहाँ वहाँ एक्सिस बना दीजिए, ओरिजिन लिखिए, 30-30 डिग्री बनाइए, लेंथ विड्थ एंड हाइट दिखाई दीजिए, लेंथ विड्थ एंड हाइट बना दीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया। अगला सम लेके मैं जल्दी लौटूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।